नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंशा गुप्ता। आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। आरजे न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में निकिता के अख्तियार को फांसी की मांग को लेकर करणी सेना ने किया प्रदर्शन। आपको बताते चले कि निकिता के अख्तियार को फांसी की मांग करते हुए करणी सेना के जिला अध्यक्ष अमित सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रधानमंत्री को संबोधित जिलाधिकारी एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें बल्लभगढ़ फरीदाबाद में इस प्रकार एक हिंदू की बेटी की खुलेआम निर्गत एक मुस्लिम युवक द्वारा हत्या कर दी गई। वह हमारी लचर कानून व्यवस्था में आने वाली भयानक विपत्ति का घोतक है। यदि इस लफ्जिहाद के चलन के विरुद्ध उचित कानूनी व्यवस्था नहीं बनाई गई तो दिन दूर नहीं है जब हिंदुओं को अपनी सुरक्षा की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। हमारी माँ बहनों के सम्मान में जीवन की रक्षा सरकार का दायित्व है। इसके लिए उचित कानून अतिशीघ्र बनाने की मांग की। इस उपरांत विवेक सिंह सिसोदिया, अमित सिंह चौहान, विक्रांत सिंह आदि लोग मौजूद रहे। मैं निधि त्रिपाठी करणी सेना में जिला अध्यक्ष हूँ। मैं निकिता के हत्यारों को फांसी दिलवाने की डीएम साहब से अपील करने आई हूँ। मैं चाहती हूँ निकिता के जो हत्यारों को बिल्कुल ही ना बख्शा जाए, उन्हें सालों को गोली मार दिया जाए। तत्काल डीएम हमारा डीएम साहब से हमारा निवेदन है कि हमारी जो गुहार लगाई गई है वो हमारी ऊपर पहुँचाएँ। मेरा नाम संतोष राठौर है और मैं क्षत्रिय महासभा से जिलाध्यक्ष हूँ और प्लस मैं करणी सेना में काम करती हूँ। मेरा मानना यह है कि अगर किसी लड़की को ऐसे करके गोली मार दी जाएगी तो हमारी बहन बेटियों का क्या होगा। मेरा मानना यह है ऐसे जितने भी कातिल हैं उनको बीच चौराहे पे खड़े होकर गोली मार दी जाए। माननीय श्री जिलाधिकारी महोदय जी को ज्ञापन सौंपने आए हैं। जो ये बल्लभगढ़ कांड हुआ है इसमें निकिता तोमर को जो निर्मम हत्या की गई है उनको तत्काल सजा दी जाए और फांसी दी जाए और आने वाले भविष्य में ऐसी कोई घटना घटित ना हो, ये हमारा जिलाधिकारी महोदय से निवेदन है। जी मैं करणी सेना से हूँ, अमित सिंह चौहान, जिलाध्यक्ष बरेली। जहाँ शिक्षा एक जुनून है, एजुकेशन इज अ पैशन।